नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके चैनल में। आप जानते हैं कि इस चैनल में प्रतिदिन एक उपाय बताया जाता है। ये उपाय आप कोई भी कर सकता है, यानी आप पर कोई भी दशा है, आप किसी भी राशि के स्वामी हैं, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। जो आज नए हैं वो समझ लें कि आप यह उपाय करने से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। यह उपाय आप सूर्य डूबने से पहले करें तो बहुत अच्छा है, सूर्य डूबने के बाद वाला उपाय यदि होगा तो स्पेशल बताया जाएगा। इसलिए इस उपाय को दिल से कीजिए, क्योंकि यह उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और बहुत लोगों की जिंदगी बदल भी चुकी है। तो आइए जानते हैं आज का उपाय। अब हम बात करेंगे 30 अगस्त 2020 के उपाय की। 30 अगस्त 2020 को रविवार का दिन है और रविवार का उपाय अब मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परिवार में बहुत सारा धन आए, कैसे धन की कमी दूर हो, कैसे आप तेज़ी से आगे बढ़ें, कैसे जो धन घर में आता है उसमें बरकत आए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं धन आता है, खर्च हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। उसके लिए भी टोटका बताऊंगा कि घर में धन बचे, कमाई बढ़े, यदा धन आए, धन पवित्र हो और आपके घर में सुख सुविधाओं का भरमार हो जाए। आज अपने निवास पर ही परमात्मा को इलायची सुपारी पान, एक पान बनवा लीजिए, उसको बोलिए इलायची सुपारी का पान बना दे, और चाहे मीठा पान हो चाहे इलायची सुपारी तो डाल के मीठी गुलकंद भी डाल दे, और साथ में गुड़, ये चीज़ें आप अपने ही निवास पर परमात्मा को भोग लगा दें। ये आपकी तरफ से एक महाभोग होगा, ये आपकी तरफ से परमात्मा को समर्पण होगा और आपका सूर्य इससे उच्च का हो जाएगा। बाद में उस गुड़ को आप घर में बांट के खा सकते हैं, किसी गरीब को भी दे सकते हैं, प्रसाद के रूप में सभी में बांट भी सकते हैं। परिवार में तेज़ी से धन आए और धन अधिक खर्च ना हो, सुख सुविधाएं बढ़ें, इसके लिए आपको चाहिए कि परिवार का जो सबसे बड़ा है उसके हाथों से चने की दाल लें, पीले कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में रख दें और 2-3 महीने बाद फिर खुद ले लिया करें और उसको बदल दिया करें। एक बार आप अपने बड़े से ले लें, उसके बाद यदि वह बड़े आपको हर 2-3 महीने में दे सकते हैं तो ठीक है, वरना अपनी जेब से आप लेकर बदल दें, क्योंकि ख़राब हो जाएगी। और पहली दाल को दान कर दें, जल प्रवाह कर दें, किसी गरीब को दे दें, कुछ भी कर सकते हैं। हर महीने भी बदल सकते हैं, 2 महीने बाद भी बदल सकते हैं, जब आप समझे ख़राब हो रही है आप उसको बदल सकते हैं। ये दाल मंदिर में पूजा रूम में रखनी है, इससे बहुत सारी शक्तियां आपको मिलेंगी, आपके निवास में धन की कमी नहीं रहेगी और तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन आपको एक ऐसे ही उपाय बताता रहूँगा, एक टोटका साथ में बताऊँगा और भी बहुत कुछ शुरू करने वाला हूँ। चैनल सब्सक्राइब होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।